माइनस न्यू रेशियो
1/3, 1/3, 1/3. जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 0। मतलब इसने ना तो गेन किया ना सैक्रिफाइस किया। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 3 18 और ये 3 - 6 बोले तो -3/18। माइनस में आंसर आ रहा है, ये जो बोल दो 1/6, -1/6। इसका मतलब इसने तो क्या किया है बेटा, माइनस मतलब गेन किया, क्योंकि आप सैक्रिफाइस के कारण प्लस मतलब सैक्रिफाइस, माइनस मतलब गेन। अब इसकी बात करते थोड़े बाद, इसका आंसर आ रहा है 6 3 18, 3 3 9, -6 1/6, आंसर आया 3/18। बोले तो 1/6 लेकिन प्लस का, इसका मतलब हम सैक्रिफाइस के कारण प्लस आया, मतलब इसने सैक्रिफाइस किया, माइनस आया मतलब गेन किया, तो इसने गेन किया इससे। अब बात क्या आती है, गुरु कौन लेकर आया, आपको पता है जिसने गेन किया है वो गुरुबिल लेके आएगा। तो इस क्वेश्चन में गेन किया हरदीप ने, हरदीप गुरुबिल आएगा, हरदीप कितनी गुरुबिल आएगा, हरदीप की गुरुबिल होगी बेटा फिलेट के अंदर, हरदीप ने कितना गेन किया 1/6, तो वो 1/6 लेके आया, बोले तो 50,000। और लाके किसको देगा, जिसने सैक्रिफाइस किया, बोले तो बदल दिया है ना। तो अब इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हरदीप गगनदीप को 50,000 रुपए गुरुबिल के देगा, इससे गगनदीप की कैपिटल तो बढ़ेगी नहीं, इसको पैसा मिलता है, और हरदीप देगा इससे उसकी कैपिटल कम हो, तो हरदीप को तो कम करना है और गगनदीप को 50,000 से बढ़ाना है। नाम क्या लिखे, हमेशा कैप अकाउंट से एडजस्टमेंट करना, नाम क्या लिखेंगे, हरदीप को लिखकर किसको दिया मैंने, गगनदीप कैपिटल अकाउंट, और यह लिखा गया बाय हरदीप फर्स्ट
इधर के रूम में से माइनस करके इसे काउंट टू क्लोज करें, क्लोजिंग करने से बाद में क्या बेटर होगा, 50, 81, 60, 61, 62, 63, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 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
और एक बार प्रेस करो। सेकंड का वैल्यू सामने जाकर कट के नाम से नदी हड्डी गगनदीप 242,000 टोटल के बाद 2,40,340,470,000 नेक्स्ट बैलेंस क्लोज करें। क्रेडिटर हो गया है बिल्स पेबल 40,000 क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। आप उसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन वापस परफॉर्म करेंगे।